आपको स्ट्रांग तो होना ही है, बनना ही होगा, क्योंकि नेकी के रास्ते पे कोई चलने नहीं दे रहा। हमने हर तरह से गारंटी दी कि भाई हमारा, आप जाके गांव से पूछ लो, बड़ा घर था जरूर, लोग आए पंच बनो, जब छोटे थे सरपंच बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो, हमने साफ हाथ जोड़ दिए, हमारे इन चीजों से कोई वास्ता नहीं, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। फिर क्यों डरे बैठे हो, हमें क्यों नहीं समाज का भला करने दे रहे, आपको क्यों टटियां लगी हुई हैं कि बाबा जी खुद ना नेता बन के बैठ जाए, बनना होता तो हम इतने साल थोड़ा ही उड़ीकते, आपसे रह लेने थोड़ा ही आते, कब के बन जाते, इतनी सास संगत है। लेकिन हमारा इन चीजों में ना इंटरेस्ट था, ना है, ना रहेगा। लेकिन एक चीज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, समाज की बुराइयों को खत्म करना है, मानवता भलाई के कामों को बुलंदियों पे ले जाना है और इंसान को भगवान से जोड़ना है। इसी में हमारा इंटरेस्ट था, है और बढ़ता ही जा रहा है कि कैसे मानव को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सवाल पैदा ही नहीं होता हम कभी किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोले, हो ही नहीं सकता, सत्संग करना छोड़ देंगे हम अगर हम किसी धर्म के खिलाफ बोले तो। ये धर्म उल्ट नहीं है, सब राजनीतिक ड्रामे हैं। सच्ची बात आपको कहा था, कहेंगे 100% नशा माफिया हो सकता है कहीं, पर हमें जो मेन लग रहा है राजनीतिक ड्रामा है। सत्संग जी किस राजनीति का है, कौन सी पार्टी का है, क्या कहें आपको, किसका नहीं और किसका है, ये तो राम जानता है, भगवान जानता है और आप भी समझते हैं। सो इसलिए दृढ़ता से, हिम्मत से तो काम लेना ही पड़ेगा। राम नाम में चलना आसान नहीं है इस कलयुग में, कोई हक नहीं देता। हम हमेशा कहते हैं आइए, जब मर्जी आइए, लेकिन सारे समाज का भला हो, पूरे वर्ल्ड का भला हो, कुछ ऐसा कर जाइए। खा पी के हरामखोरी करके जाओगे, लोग आपके नाम पे थूकेंगे और आगे नरकों में भरोगे फल उसका। अरे करना है कुछ ऐसा कर जाओ। इस बात का आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। गुरुसर मोड़िया में सरपंच बने, उसकी बात सुनाते सदगुरु कैसे कृपा करते हैं। छोटी सी बात, वो भेड़ बकरियां चराया करता था, हम खेती बाड़ी किया करते थे। उसने नाम लिया, बुराइयां छोड़ दी, तो हमने कहा भाई तू ये पशुओं का ऐसे काटता करता है, परमपिता जी से पूछ। पूछा बेपरवाह जी, कहते छोड़ दे और काम कर ले। उसने हट्टी वगैरह बना ली, दुकान बना ली, वो भी ठीक ठाक चलती रही। तो हमने कहा भाई तू बहुत भक्त आदमी है, अच्छा बनेगा आगे जाके। परमपिता ने ऐसी रहमत की हम यहां आए और सरपंच बन गया। वो हैरानी की बात सबके लिए, सरपंच बना, हमारे पास आया। हमने कहा बेटा ऐसे काम करना कि आगे से लोग याद रखें। उसने वाकई अपना घर तक नहीं बनाया और समाज में जितना पैसा आया लगा दिया, वो नंबर वन सरपंच बना। और आज भी लोग ये चाहते हैं कि काश वैसा कोई आ जाए। सारी जनता ने कोशिश की पर उसने हाथ जोड़ दिए, भाई मेरे से ये काम नहीं होता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। लेकिन आज भी जब हम जाते हैं लोग कहते हैं कि पिताजी उस जैसा तो वो तो उसने तो कमाल ही कर दिया, इतने काम करवाए। तो जनता में जाने की जरूरत ही नहीं, जनता आपके पास आएगी अगर आप अच्छे काम करें कि भाई जी आप ही आओ, आप ही आगे आओ। तो हम तो इन सब लोगों से हाथ जोड़ के बारंबार विनती करती हैं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सच्चे दिल से कहते हैं। पर आप इस कलयुग में ऐसे काम जनता के कर दो, हम आपको गारंटी देते हैं आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, वो धक्के से खड़ा करके आपको जिता दिया करेंगे। क्यों सत्संग जी, क्या ये सच या झूठ? सच है तो हाथ खड़ा करके बताएं जी। देखिए करोड़ों, यानी हमने बताया था 700 एकड़ भर चुका है सात संगत से, 700 एकड़ पूरी लिस्ट है, कहां कहां पंडाल, पूरी सात संगत ये कह रही है कि ऐसा हो जाए करोड़। इसका मतलब 1.25 करोड़ पहले था 600 एकड़ था और आज 700,
तो इसका मतलब 1.5-2 करोड़ तक पहुंच गई होगी सात संगत। तो सारे कह रहे हैं कि हाँ ये सच, हाथ नीचे कर लें, मालिक नेकी पे चलने का और भले कामों में आपको आगे आने का खुशियां दे, ताकत दे, गजब ना हो जाए। अरे ऐशो आराम करते रहो, पर महीने में कुछ दिन निश्चित कर लो कि ये समाज में जाके समाज का भला करेंगे। कोई आपके उन चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ऐश इशरत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक हफ्ता आप समाज के लिए, चलो 3 हफ्ते खुद के लिए, पर आप तो 5 साल में कुछ दिन ही समाज के लिए देते हो, बाकी गायब भी हो जाते हो, पता ही नहीं चलता किधर चला गया। और यहां आप जाते हो, वहां आम नहीं आ सकता, आ भी गया तो बैरिंग वापस आ जाता है। तो भाई हमारा यही विनती है कि अच्छे नेक लोग समाज को सुधारें, आप मंथन कीजिए, विचारिए इस बारे में, ताकि समाज में बदलाव आए, बुराइयां दूर हों, हर कोई इस बात को समझे तो जरूर बदलाव आएगा और समाज में हर कोई खुशी से जिंदगी जी सकेगा। मालिक सदगुरु ऐसा करे और सबको खुशियां मिले, हर कोई खुशियां ले, बुराई करने वाले बुराई छोड़े, उनको सद्बुद्धि आए, नेकी पे चलने वालों को इतनी हिम्मत आए कि वो बुराई से रुके, रोकने से भी ना रोकें, आगे बढ़ते चले जाएं और माला माल होते चले जाएं। ये मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। तो सभी पंडालों में सभी स्पीकरों की आवाज ठीक रही, 2000 से ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं चारों तरफ, और पंडाल आपको बताया ही था कितने ज्यादा पंडाल हैं, एक और फिर से बता दें, सत्संगत कुछ बाद में भी आती, मेन ट्रैफिक ग्राउंड